अर्णब गोस्वामी जमानत मिलने के बाद जो है अपने शो पूछता है भारत में लौटे हैं, और वो जो है लगातार जो है उनके साथ जो चीजें हुई थी उसका जिक्र भी कर रहे हैं। कल जो है उन्होंने अपने उन दिनों को याद किया जो 3 दिन उन्होंने तलोजा जेल में बिताए, और साथ में उन साथी कैदियों को भी। कल जो है उन्होंने अपने लाइव शो में सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि केस लड़ने के लिए हरीश सालवे का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अपने लाइव डिबेट के दौरान उन्होंने कहा कि आपको यह अजीब लग सकता है लेकिन मुझे कभी अकेला नहीं महसूस हुआ। वहां जेल में रखे गए लोगों में भी कई ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सालों तक टीवी में देखा है। मैं उनकी टीम का सामाजिक सदस्य बन गया था। मुझे लग रहा है कि वे मुझे आज मिस कर रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं मुझे वापस ना बुलाया जाए, पर अगर मैं उनके साथ जाता हूं तो वे खुश होंगे। गौरतलब है कि अर्णब ने 8 दिन जो है बिताए थे, कुछ दिन कोविड सेंटर में और कुछ दिन तलोजा जेल में। तो बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम बेल दे दी थी और उसके बाद जो है उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। लेकिन कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ साथ अपने उन साथी कैदियों को भी याद किया जब उन्होंने जिनके साथ समय बिताया था। जिस दिन पहली बार उन्होंने शो किया उस दिन भी उन्होंने ये बात बताई थी कि कैसे वो दूर से टीवी देखा करते थे और वहां पर सिर्फ सुनाई देता था। टीवी इतना दूर था कि समझ में नहीं आता था कि स्क्रीन पर क्या चल रहा है। इसी तरह का जिक्र जो है कल भी उन्होंने किया और साथ में उन लोगों को भी याद किया जो उनके साथ वहां थे। उन्होंने कहा उनमें से कई लोग जो है मुझे जानते भी थे, कई सालों तक मुझे टीवी पर वो लोग देख चुके हैं।